रखेंगे, मैं चाहूंगा और उसी क्षण के बाद हमारे बिहार के हमारे मुख्यमंत्री और आपकी मेरे मैत्री जनसभा में अपने विचारों को रखेंगे। मैं आग्रह करूंगा अपने से, अपनी माँ से, बहनों से, अगर आपने कहते हैं मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से बाहर आएंगे, आपको जोरदार नारा के साथ जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे ताकि नीतीश जी तब तक लिए आपके धरती को याद रखे, उनके स्वागत को और आपके द्वारा किया गया स्वागत को हमेशा याद रखे। आप नीतीश कुमार जी बात याद रखिए, जिस तरह से पिछले कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो हमारे इस बिहार को विकास दिया है, तो मैं पहले ही कह दिया कि मोदी जी के नाम पे, नीतीश जी के काम पे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी के सम्मान पे आप लोगों को इस बार तीर छाप पर मोहर लगा करके अपने एनडीए के मजबूत साथी को विजय बनाना है और इस इलाके में खुशहाली लानी है। साथियों, नीतीश कुमार के काम को जोरदार तालियों से अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी का। तो समय का अभाव है, मैं अपनी बात कह रहा था कि भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन की सरकार अगर बनाना है, पिछले कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो हमारे इस बिहार को विकास दिया है, तो मैं और इस मंच से कहने में कोई एतराज नहीं है कि आप लोगों को हर भेदभाव को मिटा करके आपको न भटकना है और न भड़कना है। आपको हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रत्याशी सैयद महमूद अशरफ बनाते हुए हमारे ठाकुरगंज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक इज्जत बाप जनाब नौशाद आलम साहब से दावत, उनको दावत शिकन देता हूँ। क्या अपनी बातों को रखें मंच पर बैठे हुए हम लोगों के नेता, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर बैठे हुए हम लोगों के जदयू के नेता अशोक चौधरी जी, जनाब गुलाम रसिम बलियादी साहब, मंच पर बैठे हुए महमूद अशरफ साहब, बुजुर्ग और दोस्तों, बिना भोजन भात किए हुए, बिना दोपहर किए हुए अपने बूथ पर जाए और तीर छाप कर बटन दबाए, बटन दाब कर अपने प्रिय उम्मीदवार महमूद साहब को विजयी बनावे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, समय कम है, आप लोग मौलाना फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष बिंदु शेखर लाहौटी जी और मुखिया नजमुल साहब, नजमुद्दीन साहब, नाजिल साहब, एक्स प्रमुख शमशाद आलम साहब, संतोष सुमानी साहब, तनवीर मुखिया साहब, साबिर मुखिया साहब, शाहबुद्दीन साहब और फैयाज आलम साहब जो उनके दामाद हैं, इनके नेतृत्व में आज मौलाना के तहत उनके हजारों समर्थक जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग तालियों से उनका स्वागत करें और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री उनको माला पहना कर स्वागत करें। आप
और हमारे बीच हमारे पार्टी में चलो के